हाय दोस्तों, मैं हूँ रेनिश मलहन पिक्स कंपोज से। तो आज हम सीखेंगे कि एक करेक्टर को कैसे बैकग्राउंड से अलग करा जाता है ताकि हम उसमें एक नया बैकग्राउंड डाल सकें। तो बेसिकली इस इमेज को आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास ग्रे कलर का बैकग्राउंड है, बट हम इस बैकग्राउंड को चेंज करके कोई और बैकग्राउंड डालना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब नए फोटोशॉप के अंदर ये बहुत ही इजी हो गया है, बिल्कुल ही नई ट्रिक आपको मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ हेयर्स भी हैं, तो इनका भी हमें ख्याल रखना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कंट्रोल ज़ीरो दबा के इसको फिर से जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का मेन्यू आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट लेयर। तो हमारे पास एक बैकग्राउंड की कॉपी आ गई है, तो मैं नीचे वाली लेयर को यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही वाली लेयर ऑन है। तो इसमें से हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ पैनल में हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है रिमूव बैकग्राउंड। अगर ये प्रॉपर्टीज़ पैनल आपको यहाँ नहीं दिखता तो आप विंडो में जाके यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पैनल ओपन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखा हुआ है, अगर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये पैनल आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आता है रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर में हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हेयर्स में हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको हमें ठीक करना होगा, जैसे कि हमारे पास वो छोटे छोटे हेयर्स यहाँ पे नहीं आए हैं। तो चलिए इसको रिफ़ाइन करते हैं। रिफ़ाइन करने के लिए आपको मास्क के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि आप सिलेक्टेड मास्क विंडो में आ जाएंगे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर रिफ़ाइन हेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं कि इसने रिफ़ाइन कर दिया है, बट यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है कि इसने थोड़ा सा हिस्सा यहाँ से भी हटा दिया है, हेयर्स में से भी हटा दिया है, क्योंकि इस जगह का कलर हमारे बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा था। तो इसे लगा कि यहाँ पर भी बैकग्राउंड है, तो इसलिए इसने इसको रिमूव कर दिया है। तो हमें उसे वापस लाना होगा। मुझे कैसे पता कि बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है? आप देख सकते हैं कि इसने ग्रे कलर को हटा के यहाँ पे रेड कलर फिल करा है, आपके यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपने इसकी ओपेसिटी कितनी बढ़ानी है। आप कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे थोड़े से हेयर्स गायब हो गए हैं, बट वहीं पर हमारे जो हेयर स्टेन्स थे, आपको मैं दिखाता हूँ, जो बाल थे साइडों पे वो वापस आ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आपके बाल वापस आ चुके हैं। तो अब अगर इसके ऊपर हमें वर्क करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रश टूल के ऊपर और यहाँ से हम इसके ऊपर पेंट करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये एरिया अंदर है तो इसके ऊपर पेंट करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा और बहुत ही आसानी से इस एरिया को हम रिवाइव कर सकते हैं। याद रखें कि अपना ब्रश को सॉफ्ट रखें, यहाँ से आपको हार्डनेस को बिल्कुल ज़ीरो पे रखना है और उसके बाद आप पेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने इस ब्रश के साइज़ को बढ़ा सकते हैं राइट ब्रैकेट की से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से आप रेड कलर को हटा पा रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने सब कुछ रिवाइव कर लिया है। यहाँ पे हम ब्रश को छोटा कर लेते हैं। तो ये देखिए, आपका ब्रश छोटा हो गया है और हम बड़ी आसानी से यहाँ पे पेंट कर पा रहे हैं और हमारे सारे बाल वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नेल में इशू है, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा पेंट कर देते हैं। आप देखें, हमने इस एरिया को भी बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन कर लिया है
और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी सी प्रॉब्लम है, तो इसको मैं पॉलीगनल लेसो टूल से ठीक कर लूँगा। आपको यहाँ पे नेगेटिव को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपकी सिलेक्शन माइनस होती है। तो मैं एक क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि वो एरिया रिफाइन हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी छोटा सा इशू है। तो इस तरह से आप जितना टाइम यहाँ पे डिवोट करेंगे उतना अच्छी उतनी अच्छी आपकी यहाँ पे सिलेक्शन बन जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से रिफाइन हो गया यहाँ पे भी, और इस सिलेक्शन के साथ मैं काफ़ी खुश हूँ। और उसके बाद मैं कंट्रोल ज़ीरो दबाऊंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारी सिलेक्शन पूरी बन चुकी है, बहुत अच्छी सिलेक्शन बनी है। तो यहाँ पे मैं डी कॉन्टेमिनेट कलर्स को सिलेक्ट कर दूंगा, सो दैट कि जो हमारे बैकग्राउंड का स्पिल इसके ऊपर आया होगा या फिर बैकग्राउंड की लाइट इसके ऊपर पड़ रही होगी उसको ये रिमूव कर देगा, सो दैट हमारे ऊपर पुराने बैकग्राउंड का कोई असर ना पड़े। और उसके बाद मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने सब्जेक्ट को यहाँ से कट कर लिया है। उसके बाद हम कोई भी बैकग्राउंड बैक साइड पर डाल सकते हैं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड्स हैं, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड मैं ले आया हूँ, यहाँ पर छोटा है, कोई बात नहीं, हम इसे स्केल कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से हम इसको लगा देते हैं। उसके बाद हम इसको नीचे ले जाएंगे लेयर को, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से यहाँ पे फिट हो गया है। अगर हम बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहते हैं, थोड़ा सा ब्लर इसमें डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे फिल्टर ब्लर में जाके यहाँ से हम गॉशियन ब्लर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसकी अमाउंट सेट कर सकते हैं, जितनी भी अमाउंट हम सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा ये सेटअप हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट फाइल नीचे प्रोवाइड करवा दी गई है, आप वहाँ से प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डिटेल सेक्शन में से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।